Welcome dear students, I hope that you are doing well and enjoying all the lessons. So as we are just discussing about the mathematics chapter 6, the junk cell, class 4th. In previous lecturers we have discussed and we have learned a lot about or a little about, it depends upon you, that what had you learned. So I hope that you have learned a lot. So we have learned about multiplication. So now we are going to the conclusion of our topic. So today we are going to discuss about yesterday's homework. तो आज हम कल का जो homework था उसके बारे में discuss करने जा रहे हैं. आपने किया होगा घर में अच्छी तरह से, तो अगर यानी उससे हम फिर भी आपको बता दें कि आपने क्या यानी अगर नहीं हुआ है कहीं से तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा. ठीक है, तो लेट अस सी. सबसे पहले है 400 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 जीरो सर 0, 4 जीरो सर 0, 4 4 सर 16. ठीक है, तो ऐसे फिर 2040 है. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये होगा 4080, 20 जार. ठीक है ना, फिर 24 जार, फिर 202. इसी तरह 3001. ठीक है ना, और 1000 आपको मैं बता दूं कि यानी जो यानी 1 to 9 ये जो भी डिजिट हैं, यानी कितने डिजिट हैं, एक एक है हर एक में. ठीक है, वन में लिखा जाता है, सिंगल लिखा जाता है ना, तो इसलिए ये वंस है. ठीक है ना, इसको वंस कहते हैं. और फिर नाइन के बाद डिजिट जो एक यानी उसकी एक शक्ल एक है वो चेंज हो जाती है. अब तक जैसे हमने अब तक लिखा था 1, फिर हम लिखते हैं 2, फिर हम लिखते हैं 3, फिर हम लिखते हैं 4, फिर 5, ऐसे 6, 7, 8 and 9. तो 9 के बाद हम क्या ऑटोमेटिकली चेंज होता है 1, 0, 10. अब दो दो आ रहे हैं. ठीक है ना, अब इसको 1 और 0 कोई नहीं, 1 और 0, 10, फिर 1, 1, 11. ठीक है ना, ऐसे फिर क्या होता है 1, 2, 2, 8. ठीक है ना, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15. ठीक नहीं, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. ठीक है ना, और 9 के बाद फिर ये डिजिट की जो शेप है ये चेंज होती जा रही है. अभी दो ही दो डिजिट. ठीक है ना, फिर 29 के बाद 30, 39 के बाद 40, 49 के बाद 50, 59 के बाद 60, 69 के बाद 69 के बाद क्या 70, 79 के बाद 80, और 89 के बाद 90 हो गया. हम पहुंच गए 90 पर. तो ठीक है ना, 90 पे जब हम पहुंचते हैं तो उसके बाद होता है 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99. कितने कितने डिजिट थे, इस 10 से हमने शुरू किया. ठीक है ना, 1, 0, 10. सब में अब तक दो दो डिजिट हैं, दो दो हर्फ आ रहे हैं, दो दो अदद आ रहे हैं. अदद इसको कहते हैं. अब 9, 9, 99, इसके बाद एकदम चेंज होगी, एकदम सब कुछ में हलचल मच जाती है.
क्या हो गए भाई, तीन डिजिट आ गए, तीन अदद आ गए। अब देखो 100 100, ठीक है ना, यानी जब तीन डिजिट आ जाते हैं तो उनमें से जो लेफ्ट साइड का पहला डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू 100 में आ जाएगी, उसको हम 100 के नाम से पुकारेंगे। फिर उसके बाद वाला जो होगा उसको हम, ठीक है ना, टेन्स की वैल्यू देंगे, ठीक है ना, और टेन्स वाले में है, 20 वाले में है, 30 वाले में है, 40 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, और इसको हम सीधे वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हम प्लेस वैल्यू राइट से शुरू करते हैं, लेफ्ट से नहीं। लेफ्ट का मैंने आपको इसलिए बोला कि हम पढ़ते लेफ्ट से ही हैं, लिखते लेफ्ट से ही हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू के वक्त हमें राइट से लिखना पड़ता है, यानी प्लेस वैल्यू हमें राइट से पता चलेगी, ठीक है ना। जैसे मैंने लेफ्ट का क्यों कहा, आपको समझाने के लिए, जैसे ये है 400, क्या होगा, पहले को हम 100 पढ़ेंगे, दूसरे में टेनिस में भी 0 और में भी 0, इसलिए सीधा हो गया 400, ठीक है ना। ऐसे ही ये है एक, ठीक है ना, 474, मैंने कहा पहले को हम क्या पढ़ेंगे 100, उसका मतलब 400, दूसरे में टेनिस है, टेनिस में 7 है, 7 टेनिस 70, 470, ये है वनस है, वनस को हम देंगे 1 के साथ, 4 1 4 ही 474, ठीक है ना। ऐसे ये क्या है 100, ये हो गया 40, ये हो गया 8, ठीक है ना, ये वनस है, ये टेनस है, ये हंड्रेडस है, ठीक है ना। अब इसलिए जब ये हंड्रेडस में तीन तीन डिजिट आते हैं, जब 999 यहाँ तक तीन डिजिट 999, इसके बाद एकदम चेंज आती है, बड़ा धड़केदार चेंज, एक धमाका हो जाता है 1000 1000, ठीक है ना। यानी जब चार डिजिट आ गए तो पहला डिजिट थाउजेंड्स में है, इसको हम थाउजेंड का नाम देंगे। यहाँ वन होगा तो 1000, टू होगा 2000, थ्री थाउजेंड, फोर का 4000, फिर 5000, सिक्स होगा 6, 7 7, 8 8000, 9 9000, ठीक है ना। अब उसके बाद एक अलग ट्रिक चलती है, तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ है पहले को हम कह देंगे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, इस वाले को इस साइड से शुरू करते हैं, 1 is, 10 is, 100 is और 1000 is, 3000, कुछ 100 100 है, 100 में भी 0 है, 10 is में भी 0 है, सीधा 1 3001। यहाँ क्या है, पहला 4 9000, कुछ नहीं आगे 3 9000 3, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे ये है पहला 5000, दूसरे को हम 100 पढ़ेंगे, कितना 100 है 600, तीसरे को हम टेनिस में देंगे प्लेस, टेनिस में कौन सा नंबर है 1 और 6 इसके साथ आएगा 16, ठीक है ना, 5616। और जब फिर ये वाली वैल्यू जाते जाते, यानी 999 के बाद 1000 आ गया, तो 1000 जब शुरू चलते 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 ये लंबी सीरीज चलती है, तो ये जाता है यहाँ पहुँचता है जब, ठीक है ना, 9 पे सीरीज़ ख़त्म होती है, ठीक है ना, नेक्स्ट सीरीज शुरू हो जाती है, यानी अगला अगली मंजिल शुरू हो जाती है, अगला प्लान शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 9999, ये क्या है 9000, ये हो गया 9, ये क्या हो गया 900, ये क्या हो गया 99 9000 9 9000 9। अब इसके बाद चेंज प्लान, ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद हो गया 1000 1000 0000, क्या हो गया 10000, क्या हो गया अब 10000, ठीक है ना, फिर 10001 10000 2, ठीक है ना। अब अगर यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 0 10000 10, ठीक है ना। इसलिए जब 5 डिजिट होंगे तो पहला डिजिट जो उनमें से होगा लेफ्ट साइड में, उसको हम 10000 की प्लेस में देंगे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये है मसलन, अगर यहाँ 1 होगा, यहाँ सामने 0 0 है, तो 1000 10000 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ 2 होगा 20000,
एक और वन होगा 11,000, 12,000। जैसे हम देखते हैं यहाँ ये क्या है, नहीं ये तो अगला नंबर है, हम देखेंगे जहाँ 5 डिजिट हों, ठीक है ना, जैसे ये है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसमें 0 2 7 0 3, यहाँ से हम शुरू करें। 5 डिजिट में पहले दो को हम लेंगे, क्या है 30, उसमें 30,000, फिर ये क्या है 720, ठीक है ना, 30,720, ठीक है ना। तो अब ये सीरीज जब ख़त्म होती है, ये जब लास्ट पे आते हैं 9 9 9 9 और 9, 99,999, तो एकदम सीरीज चेंज। सिक्स डिजिट आ जाएंगे, 1 2 3, 1 लेख हो गया, पहले को लेख, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये जो दो आएंगे 10,000 में आएंगे, और ये 100s में आएंगे, ठीक है ना, ये 10s में आएंगे, जैसे ये है, ठीक है ना, ये क्या है 1,29,360। जैसे और कोई देखो आप, शाबाश, कहीं कुछ और नंबर है ऐसा, ठीक है, ऐसे ही यानी आप ये करते जाए, ठीक है ना। आज हमने इस बारे में थोड़ा, और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप ऐसा करना कि ये जितने भी हैं, ठीक है ना, आप इनको नोट कर लें, अगर ये आपने देखा, ठीक है ना, आपने वैसे लिख तो लिया होगा, अगर लिखा नहीं है तो आप ये सारे जो आंसर्स इसके लिखे हैं हमने, ठीक है, वो आप नोट कर दीजिएगा। तो ठीक है, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, तो मैं थोड़ा इसलिए आपको ये बात बीच में आ गई कि हमें पढ़ना है, कि पढ़ना हमारा ठीक हो जाए, तो ये है 9,003, और ये क्या है 1,024, क्योंकि 100 नहीं पढ़ा जाएगा, 100 में 0 है, मल्टीप्लाई बाय 30, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आपको तरीका बताया है कैसे करना है, पीछे जो टेबल दिखाए हैं, या कल भी हमने इस पर थोड़ी डिस्कस की थी कि किस तरह करना है इसको, तो ये हो गया 30,720, 1,413 मल्टीप्लाई बाई 90, ये कितना हो गया 1,27,170, ये क्या है 1,848 मल्टीप्लाई बाई 70, ये क्या हो गया 1,29,360। हम इनमें से एक को करते हैं, ठीक है, चलो हम 90 वाले को करते हैं, क्या है 4,1,413 मल्टीप्लाई बाई 90, 90 जीरो को क्या आएगा 0 1, ये जीरो सब के बदले की, क्योंकि सबको जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो ही आता है। अब 9 का हम टेबल पढ़ेंगे, 9 3 27, यहाँ क्या हम लिखेंगे 7, ठीक है ना, 27 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ आगे डिजिट हैं, और अगर ये नहीं होते ना, सिर्फ 3 ही होता, तो सीधा हम 27 लिखते, जब ये है आगे, इसलिए ये जो 2 था, ये 2 इनको ज़रूरत है, ये कैरी जाएगा, ठीक है ना। 9 1 9, 9 और 2 10 और 11। नेक्स्ट हम इसको 1 लिखेंगे और 10, दूसरा जो 1 है वो कैरी जाएगा, और 9 4 हज़ार, शाबाश, यानी ये जो यहाँ का जो 1 है ये 1 9 1 हज़ार जो 9 था, और जो ये जो 2 आया वो इसके साथ जुड़ गया 10 और 11, इसलिए 1 लिखा। अब 11 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ आगे डिजिट है, और नहीं होता तो सीधा 11 लिखते, इसलिए ये 1 कैरी गया, और 9 4 हज़ार 36, 36 और 1 37, यहाँ लिखेंगे हम 7, 3 कैरी गया क्योंकि अभी आगे डिजिट है, 9 1 हज़ार 9,
नाइन और थ्री, शाबाश, टेन, अलेवन, ट्वेल्व, ठीक है। अब सीधा ट्वेल्व लिखेंगे हम, क्या बाकी कुछ नहीं बचा है, ठीक है। वन टू सेवन, वन सेवन ज़ीरो, ठीक, 1,27,170, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे भी आप खुद ही करना, ठीक है, आपको करने की सबको आ गई होगी। तो ऐसे ही ये जो दूसरे पार्ट्स हैं ये भी है, 24 मल्टीप्लाई बाई 234, ये कितना है, 5,616। 91 मल्टीप्लाई बाई 347 इज इक्वल टू 31,577। 88 मल्टीप्लाई बाई 5,567 ये कितना हो गया, 49,000, क्योंकि 45 डिजिट में ये जो है इसको पहले ये तो जुड़ी, 49,896, ठीक है। ऐसे ही 148 मल्टीप्लाई बाई 456 ये कितना हो गया, 67,488। 474 मल्टीप्लाई बाई 168 ये कितना हो गया, 79,063, 632। 364 मल्टीप्लाई बाई 272 ये हो गया 99,008 ही क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ हंड्रेड और टेन में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, इसलिए ये इसको सीधा हम स्किप करेंगे एट पर, 99,008, ठीक है ना। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी तरह इस सबक को आपने समझा होगा, और जब तक हम अगले सबक पे आएँ तब तक आप इस सारे की रिविजन कीजिएगा, और आपके जो यानी टेबल है कम से कम आप 10 तक ये सब को टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। जब नेक्स्ट लेसन में हम आएँ तो सबसे पहले वो टेबल जो आपका बिल्कुल सबको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं या एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो कर लिए हैं पीछे आपने, वो सब बिल्कुल आपको करने की आनी चाहिए बिल्कुल, यानी और यानी थाउजेंड्स में इवन कि लैक्स में भी अब हम चले गए हैं, ये सारा आपको पढ़ने की आ जाए और लिखने की भी आ जाए, तो ठीक है ना। तो तब तक इंशाल्लाह आप अपना ख्याल रखिएगा, तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।